तो रोक लगाएंगे तो जनता और उनके कुर्सी पर हाथ धर कर उठाने के काम करेगी। बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, बच्चों का फीस भरने के लिए परेशान हूँ। सीमा पार कर रहा है ना, गरीबों के मुंह से, मेहनत कसों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लेना चाहती है, उनके हाथ से रोजगार छीन लेना चाहती है। सभी नौजवान बेरोजगार हो गए और 17 साल 21 साल की उम्र को जोड़ लीजिए, 21 साल के बाद सारे नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर भूखे मरेंगे। ये स्थिति सरकार ने करने जा कर दिया है। हमारे जितने भी नौजवान हैं सबका जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। श्रीलंका वाला माहौल होने जा रहा है, श्रीलंका वाला माहौल, श्रीलंका वाला माहौल होने जा रहा है। यहाँ पे लोग इतना परेशान है, घर में राशन नहीं है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, बच्चों का फीस भरने के लिए परेशानी है, घर में राशन पानी कैसे आएगा, चावल दाल सब्जी कैसे आएगा, इसकी परेशानी है। ये हमारी और आपकी परेशानी नहीं है, ये सबकी है, आम जन की परेशानी है। सर अभी गरीबों के लिए अनाज जो मिलता था उसमें इसमें जो गेहूँ था वो गेहूँ नहीं मिल रहा है सर, इसमें गेहूं नहीं मिल रहा है। अरे सब सरकार एकदम भ्रष्टाचार हो गया है, सरकार सर अभी जो महंगाई चल रही है, महंगाई के लिए सरकार बोल रही है कि हम गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सर अभी जो अनाज जन्म अथी दुकान में जो मिल रहा था अभी गेहूं नहीं मिल रहा है सर, गेहूं कहाँ चला गया सर? ये पहले गरीबी जो आपने शब्द बोला गरीब, ये गरीब लोग हैं क्यों जी? गरीब क्यों आप बताइए? गरीब सरकार के वजह से अनाज नहीं है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये फ्री का राशन लेने की स्थिति में लाया कौन जी? जी आपको गरीब बनाया कौन? पहले उस जड़ को पकड़िए कि इनकी मानसिकता क्या है। सारे सरकारी चीज़ों को प्राइवेट में तब्दील कर रहे हैं, नौकरी है नहीं, कोई काम है नहीं, लाचार हो गए हैं राशन लेने के लिए। आप अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कह रही है कि हम गरीब आदमी के लिए ये काम कर रहे हैं। सर गरीब आदमी के लिए आप गरीब नहीं हैं? बिल्कुल गरीब है। आप परेशान नहीं हैं? बिल्कुल परेशान है। तो सरकार क्या कर रही हो? तो जुमलाबाज सरकार है, लोगों को बरगलाती है, बहेलिया की तरह आके दाना डालती है, जाल बिछाती है और फंसाती है। हम लोग बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आज भी आपसे कह रहे हैं पूरे होशो आवास में पार्टी के एक पदाधिकारी नेता होने के इससे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी कैबिनेट के पहले मीटिंग में पहले कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सम्राट जी जो थे यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं जो अपनी बातों को रखे कि कैसे महंगाई चरम सीमा पे जो चल रही है उसके खिलाफ में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सबको दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सबको दिखाइए, यहाँ पे आइए कन्हैया जी। महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और मार्च का कार्यक्रम है और उसी के तहत आज जो है आज निकला है मार्च यहाँ आरा रेलवे स्टेशन से, जिसमें भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल और CPI CPM के कॉमरेड शामिल हैं और ये शानदार ढंग से सफल हो रहा है। मोदी की सरकार गरीबों के मुंह से, मेहनत कसों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लेना चाहती है, उनके हाथ से रोजगार छीन लेना चाहती है, ये सिर से छत छीन लेना चाहती है। ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार ने जनता का जीवन मुहाल कर दिया है। कोई भी पर्व त्यौहार अब खुशी का कहा जाए कि माध्यम नहीं होता, ये हर पर्व त्यौहार में एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस सत्ता से बेदखल किया जाए, नहीं तो ये पूरे देश को तहस नहस कर देंगे। जब से मोदी जी की सरकार आई है देश में भगदड़ की स्थिति मची हुई है, GST, नोटबंदी, NRC, ये अग्निपथ, कृषि कानून, ये लोग रोज दिन जो है एकदम भगदड़ में फंसे हुए हैं, मर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जो कहर बन करके टूट पड़ी है भारतीय जनता के ऊपर, इसको हटाया जाए। हाँ, महागठबंधन के आज अग्निपथ योजना, आज पैदल मार्च, महंगाई, लूट, भारत सीमा पार कर रहा है नौजवान, कितना आप देखते हैं कि रोड पर आप हत्या करते हैं लोग, कमाई न धमाई, टमाटर महंगाई तो आलू कहाँ से भेटाई, तो यह बा नीतीश कुमार के आज आपस लेवे के, नरेंद्र मोदी के तेल, ट्रेन, प्लेन सब आज बेचे के काम करते हैं और बेरोजगार भाई आदमी आप हत्या कर रहे हैं।
संदेश विधायक किरण देवी। आज महागठबंधन की तरफ से आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग रोड पर उतरे हैं, जो महंगाई चरम सीमा छू दी है। इसलिए हम लोग महंगाई पर रोक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी से मैं मांग करती हूँ कि अपना महंगाई पर रोक लगाए, नहीं तो रोक लगाएंगे तो जनता और उनके कुर्सी पर हाथ धर कर उठाने के काम करेगी या हटाने के काम करेंगे तो नहीं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि किरण देवी थी और सुदामा प्रसाद जी थे, जो कि महंगाई के खिलाफ पे जो बोले कि महंगाई चरम सीमा पे है। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार आरा बिहार।